हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज का ट्रैवल होने वाला है देहरादून से दिल्ली का, वो भी नियो गो की बस से। तो पहले हमने ट्रैवल करा था दिल्ली से देहरादून नियो गो की बस से, और सफर काफी अच्छा रहा था, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि दोबारा उसी बस से ट्रैवल किया जाए और देखा जाए कि आज का जो ट्रैवल होता है वो कैसा होता है। तो हम लोग अभी हैं डाटखाली के जो टनल है उसमें, और डाटखाली जो है देहरादून से दिल्ली की तरफ आओगे तो आपको वैशाली नेशनल पार्क के पास ही टनल दिख जाएगा। तो देहरादून से दिल्ली आने के लिए आपको नियो गो की बस मिलेगी राव ट्रैवल से, जो कि है ISBT के बिल्कुल अपोजिट साइड में, तो वहाँ से आप बस ले सकते हैं। सो गाइस, आज हमने बस पकड़ी है अपनी 5 बजे वाली, तो इवनिंग 5 बजे देहरादून से चलती है और अराउंड 10-10 PM ये पहुँचेगी दिल्ली में। तो इसी बस से आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे रहता है सफ़र पूरा।
तो दोस्तों बस की जो कंडीशन है अंदर से वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, एसी वेंट्स वगैरह में होल थे, और एक ड्राइवर साहब के बगल में ही एक इंजन का छोटा सा कैबिनेट था, वो ये बार बार अपने आप ही खुल जा रहा था और ड्राइवर साहब इसको बार बार बंद कर रहे थे। तो ये हालत कुछ बस की, और इतने ही कम टाइम में तो एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहुंच गए थे नोएडा सेक्टर 62। मैं आगे का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दी है कि बस ने जो सेक्टर 62 है नोएडा उनको कहाँ पर उतारा। सो गाइस मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट करा है कि कहाँ पर बस वालों ने उतारा पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स जो उतरे उनमें से कुछ फीमेल्स थी और कुछ सीनियर सिटीजन और कुछ बच्चे थे। तो यहाँ पर उतारने का मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया क्योंकि इसके बाद इन लोगों को पूरा हाईवे क्रॉस करना है, और हाईवे क्रॉस करते समय कुछ मिसहैपनिंग होती थी तो उसका रिस्पॉन्सिबल पता नहीं कौन होगा। सेम इन्होंने आनंद विहार में भी करा, आनंद विहार में भी इन्होंने बाहर गाजीपुर में पैसेंजर्स को उतार दिया, और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मिलती भी हैं तो वो डबल या ट्रिपल चार्जेस करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को इनकी बहुत गलत लगी। सो गाइस मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता नियोगो से, एटलीस्ट जहाँ से वो पिक कर रहे हैं उन लोगों को उस स्पॉट पे एटलीस्ट उतारें ताकि उनको भी इजी रहे, इजीली कन्वेंस मिल जाए। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।